ट्री पर बर्ड्स आर सिटिंग, ठीक है, क्रिकेट प्ले कर रहे हैं बच्चे, और एक मारा सिक्स जाके है तो हिट किया और ऑल बर्ड फ्लू अवे, तो राइट। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाइए बच्चों इसका, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम। यस स्टूडेंट्स, डायग्राम बना लिया आप लोगों ने? स्टूडेंट्स डायग्राम बना आपका या नहीं बना जी? ओके, हाँ जी बच्चों बन गया डायग्राम। हाँ जी, किसने बनाया प्लीज रेज योर हैंड, कितने लोगों का बन गया है? ओनली वन गर्ल, टू। सेक्शन सी और ए में दो स्टूडेंट नजर आ रहे हैं मुझे, बाकी में तो किसी ने नहीं किया अभी। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए बच्चों। सर डायग्राम इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। डायग्राम इज गिवन, वेरी गुड। फिर यस भी आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया है। लाओ जी, सारा कुछ तो गिवन है, फिर बस फिर तो क्वेश्चन कर दो फटाफट से। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग? हाँ जी, व्हाट विल बी द, मींस यू हैव टू फाइंड डिस्टेंस बीसी। कितना आ गया? 80 मीटर। 80 मीटर। हाँ जी, सबको समझ आ रहा है बच्चों? देखिए डायग्राम इज गिवन, सबसे पहला क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग, तो पर्सन की ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है? सी द चिल्ड्रन, द कौशिक, कौशिक इज सिटिंग एट पॉइंट सी, राइट। और ट्री कहाँ पे है बच्चे? बी, हॉरिजॉन्टल लेंथ, सो ही इज ऑब्जर्विंग एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बी सी। आपको बीसी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो टेन थीटा लग जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, इज इट क्लियर बच्चों? इज इट, यस टेन थीटा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। थीटा 45 डिग्री है, टेन 45 इज इक्वल टू 80 अपॉन बी सी, विल आल्सो बी 80 मीटर। इज इट क्लियर बच्चों? सेकेंड पार्ट, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई इन द मेंशन टाइम? हाँ जी, कितनी दूर बर्ड ने फ्लाई किया है? इनिशियली बर्ड जो थे ए पोजीशन पे थे, यस और नो बच्चों? तो यस उनकी बाद में उनकी पोजीशन क्या हो गई है? डी। सो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ए डी और बी, फाइंड आउट कीजिए जी। 80 √3 -80 मीटर 80 √3। -80। अच्छा, चेक कर लेते हैं जी एक बार ये वाला। देखिए इसमें क्या करना था आपने, मैं डायग्राम थोड़ा सा बना देता हूँ। दिस इज द डायग्राम, दिस इज 45, दिस इज 30। पॉइंट्स क्या क्या है हमारे पास? बी सी ए, राइट बच्चों? दिस इज 80, दिस इज आल्सो 80। यहां तक कोई डाउट? तो सबसे पहले तो आपने 10 45 लगाया, दैट इज ए बी अपॉन बी सी, दिस इज वन, तो बी सी आ गया आपके पास 80 मीटर। अब आपको निकालना है बी डिस्टेंस। नाउ 10 30, ट्रायंगल कौन सा है बच्चों? डी ई सी।
राइट, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू डी अपॉन सी हो जाएगा, राइट। टेन 30 की वैल्यू बच्चों 1/√3, डी इज 80 अपॉन, लेट से दिस इज एक्स, दिस इज 80, सो दिस विल बिकम 80 + x, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया बच्चों आपने, यस। जिस स्टूडेंट ने फाइंड आउट किया था ना बच्चों, दैट इज द राइट आंसर। इसमें 80 कॉमन ले लीजिए, दिस विल बी द आंसर। जिस स्टूडेंट ने बताया था, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज 80√3 - 1। थर्ड पार्ट और में गिवन है बच्चे, एक और क्वेश्चन। आफ्टर हिटिंग द ट्री, हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन द कौशिक सॉ द बॉल। अब हाँ जी बताइए, तो अब बॉल कहाँ पर जा रही है जी? आफ्टर हिटिंग द ट्री हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई। अब कौन सा डिस्टेंस निकालना है बच्चों आपको? यस, अब कौन सा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बताइए जी। देखिए ट्री की पोजीशन ए है बच्चे, यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? नो, व्हाई बेटा? ट्री तो जो आपके पास है वो ए बी इज अ ट्री ना, राइट। बॉल ने ट्री को हिट किया, फिर पोजीशन कौन सी है बॉल की? तो डिस्टेंस कौन सा फाइंड आउट करना है? तो अब ए एफ फाइंड आउट कर दीजिए जी। लेट से एफ इज हेयर, सो दिस इज 60 डिग्री, राइट। सो अब आपको ए एफ फाइंड आउट करना है, प्लीज डू इट। अगेन सेम वे से करना है बच्चों ये। हाँ जी बच्चों, इतना आ गया ये डिस्टेंस बेटा, इतनी देर क्यों लग रही है? देखिए ये डिस्टेंस हमारे पास एक्स है, लेट दिस डिस्टेंस, हमने ये वाला डिस्टेंस फाइंड आउट करना है बच्चों। दिस टोटल लेंथ इज 80, अब जो ये फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, लेट दिस पॉइंट इज ई एफ जी, दिस डिस्टेंस इज वाई, राइट और नॉट? यस सर। अब आप ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल एफ जी सी, टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एफ जी अपॉन जी सी, दिस इज √3, एफ जी इज 80, जी सी कितना हो जाएगा बच्चों? 80 - y, यस और नो? सो यस। तो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इज इट क्लियर? इसको मैं ऊपर कर रहा हूं बच्चे, नीचे स्पेस नहीं है। सो √3 y को दूसरी तरफ ले जाइए, 80√3 - 80, सो y कितना आ जाएगा? इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? तो ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इज 80√3 - 1/√3। आप चाहो तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, राइट। इज इट क्लियर बच्चों?
बच्चे आप रिस्पांस नहीं यस दे रहे हैं, या तो यस नो, या तो समझ आया है या नहीं आया है, दोनों ही केस में यू शुड टेल मी ना, यस अभी समझ आया है या नहीं आया है जी। यस प्लीज रिपीट। देखिए बच्चों, दिस इज द पोजीशन ऑफ द इनिशियली पोजीशन ऑफ द बर्ड, बॉल को स्ट्राइक किया, बॉल यहाँ पे हिट की और उसके बाद यहाँ तक फ्लाई की एफ तक, तो वी हैव टू फाइंड दिस डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, इसको मैंने वाई एज्यूम कर लिया, लेट दिस डिस्टेंस इज वाई, नाउ वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस वाई। अब आपने ट्रायंगल लिया एफ जी सी, इस ट्रायंगल में एंगल इज 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू एफ जी अपॉन जी सी। वट इज द वैल्यू ऑफ एफ जी? 80। बेटा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हाइट तो सेम है ना, तो वो तो 80 मीटर रही हमारे पास, और टेन 60 की वैल्यू √3, और ये वाला जो डिस्टेंस हो गया जी सी, दिस इज 80 माइनस वाई, राइट और नॉट? यस सो अब हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया और उसके बाद यहाँ पे वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली सॉल्व करके। कोई डाउट बच्चों? एनी डाउट? सर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करें हम इसका, नेक्स्ट पार्ट करें बच्चों। व्हाट यस इज द स्पीड ऑफ द बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ इट हैड फ्लोन 20 × √3 + 1 मीटर? हाँ जी बच्चों, बर्ड्स की स्पीड निकालनी है, टाइम गिवन है बच्चे, व्हाट सो यस इज द टाइम? सो 2 सेकंड्स तो व्हाट विल बी द स्पीड? डिस्टेंस डिस्टेंस ओवर टाइम ओवर टाइम। व्हाट इज द आंसर देन? फाइंड आउट द आंसर। अब यहाँ पे कैच क्या है, आंसर आपको मीटर पर सेकंड में नहीं निकालना है, यू हैव टू फाइंड द आंसर इन मीटर पर मिनट, राइट? प्लीज डू इट बच्चों। हाँ जी हो गया बच्चों, हाँ जी स्टूडेंट्स हो गया? जिन लोगों का हो गया प्लीज रेज योर हैंड, नन ऑफ यू हैव डन। अच्छा मुश्किल क्या है इसमें? देखिए आपको फाइंड आउट करना है मीटर पर मिनट में, राइट? डिस्टेंस हमें गिवन है 20 × √3 + 1 मीटर, टाइम गिवन है 2 सेकेंड्स। मैं अगर इस सेकेंड को मिनट्स में कन्वर्ट कर दूं तो हो जाएगा इजी बच्चे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाए? डिवाइड डिवाइड बाय 60। तो ये कितना आ गया बच्चे? 1/30 मिनट्स। तो अब आपको स्पीड निकालनी है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? ओवर 1/30। सो 30 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 × 30 × सो दिस कम्स आउट टू बी 600। मीटर पर मिनट दिस इज द स्पीड ऑफ द बर्ड्स, राइट? इज इट क्लियर बच्चों? प्लीज यस सर। नोट डाउन दिस।
हो गया नोट डाउन जी। सर प्लीज वेट अ मिनट। ओके बच्चों, चले बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी बेस, जस्ट रीड दिस केस स्टडी। रीड दिस केस स्टडी बेटा। काइट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मैनी कंट्रीज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। इन इंडिया एवरी ईयर 14 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल काइट डे। ऑन दिस डे मैनी पीपल विजिट इंडिया एंड पार्टिसिपेट इन द फेस्टिवल बाय फ्लाइंग वेरियस काइंड ऑफ काइट। द पिक्चर गिवन बिलो शोज थ्री काइट्स फ्लाइंग टूगेदर। राइट, इज दिस क्लियर बच्चों? इन फिगर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स पॉइंट ए एंड बी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ ए मैन पॉइंट सी आर फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। टेक ए डी इज 50 मीटर एंड बी ई इज 60 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू काइट्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चो, ट्राई टू डू दिस, प्लीज ट्राई टू डू दिस। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री लगानी है एंड क्वेश्चन विल बी डन। सर 70√3। अच्छा पहले ही कर दिया, वेरी गुड, 70√3। लेट अदर्स आल्सो डू इट, अदर्स आल्सो डू दिस। हाँ जी, हो गया बाकी बच्चों का? यस सर। जिन लोगों ने किया है जरा प्लीज रेज योर हैंड। 70√3 मीटर किसने बोला था बच्चे? कौन सा सेक्शन से है? अच्छा सेक्शन ए। जरा मुझे एक बात बताइए बेटा, आपने किया कैसे है क्वेश्चन, प्लीज टेल मी। यस हाँ जी बच्चों, विल यू टेल मी हाउ यू हैव डन इट। देखिए बेटा आप लोग बता ही नहीं रहे कि कैसे किया, मैं पूछे जा रहा हूं। तो दोनों में हमने टैन का फॉर्मूला लगाकर उनका डिस्टेंस निकाल लिया। टैन का फार्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल लिया जी। किस किस का डिस्टेंस निकाला बेटा आपने? डीसी एंड सी, बीसी एंड ईसी। आपने निकाला बीसी एंड डीसी 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 एंड सी, यही यस निकाला सर, जी। बट यस मुझे सर। डिस्टेंस ये वाला निकालना है ना ए बी। बच्चे काइट कौन से हैं? ये ए और बी है ना काइट की पोजीशन। तो दिस इज अ पर्सन हु इज फ्लाइंग द काइट, राइट? यस और नो बेटा? अगर ये हाइट 50 है
और ये 60 है, तो ए बी इज पैरेलल टू डी, इज इट ए बी पैरेलल टू डी और नॉट? बच्चे ये वाली हाइट 50 है, ये 60 है, सो दे आर नॉट पैरेलल ना। अगर आपने आपने फाइंड आउट किया सी डी एंड सी, इन दोनों को ऐड करने से यू विल नॉट गेट द ए बी ना। If we find AC and BC, then we can use Pythagoras theorem in ABC because angle C is a right angle triangle. Yes. This is 30 degree, this is 60 degree. Total is linear pair, so this angle will be 90 degree. If you find this and this side by applying the sine theta, right? Sine से आपके दोनों triangles के hypotenuse आ जाएंगे, AC के और BC के। उसके बाद पाइथागोरस लगा के आप ये निकाल सकते हैं, राइट? प्लीज डू इट बच्चों, जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज डू इट। हाँ जी, आ गई बेटा वैल्यू हाइपोटेन्यूज की दोनों के। हाँ जी बच्चों, एसी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 100 मीटर। 100 मीटर, ओके ठीक है जी। AC इज 100 मीटर। कैसे आया बच्चों? साइन 30 डिग्री इज 50 अपॉन, लेट से दिस इज एक्स, तो साइन 30 इज 1/2, सो एक्स इज 100 मीटर, करेक्ट है बच्चों? नाउ लेट से दिस इज वाई, इसको वाई ले लेते हैं, और लेट से दिस इज ए। वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए बच्चों। अब व्हाट इज वाई? 40√3 मीटर। 40√3 मीटर, ओके लेट मी चेक। साइन 60 डिग्री √3/2, √3y इज इक्वल टू 120। राइट, सो y विल बी इक्वल टू √3 × √3। हाँ जी ये ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए इसको जी। हेलो हेलो, हाँ वो वही है ना, 12:30। हाँ जी बच्चों, हो गया। इसको सॉल्व किया आपने, 40√3 आ गया ये। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, पाइथागोरस लगा के कीजिए बच्चों इसको। √37 मीटर। 20√37, ओके। बाकी सभी बच्चों का यही आ रहा है आंसर जी। देखिए जी, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 40√3 स्क्वायर, सो दिस बिकम्स 100 बच्चों। ए विल बी इक्वल टू 10√148। 148 को आपने सॉल्व किया 7/4, ठीक है जी। 20√37, दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, राइट? किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो बताइए बच्चे, राइट?
तो बच्चे जिसने 70√3 किया था बेटा, ध्यान से करना है आपको, देखिए ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे 50 था, ये 60 था, तो दिस लाइन इज नॉट पैरेलल लाइन। जनरली क्वेश्चन में पैरेलल लाइन होती थी, बट यहाँ पे एक डिफरेंट केस था। चलिए जी, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज्ड देन स्ट्रेट फॉर काइट ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। ये तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जी, यस व्हाट इज द लेंथ? टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स? ए सी इज 100 मीटर एंड बी सी इज 40√3 मीटर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, कीजिए फोर्थ क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ अपोजिट ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर दिस एंड दिस। इफ द ब्रिज इज एट ए हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन आपके पास एनसीईआरटी में भी है, प्लीज डू दिस क्वेश्चन। हो गया बच्चों, अब √3 + 1 मीटर √3, √3 प्लस प्लस जो वन। ब्रैकेट में है बेटा ये। यस सर। ओके, एनीवन एल्स जी, कोई और आंसर आ रहा है या सेम आ रहा है सबका? आ रहा सेम आंसर। है सेम जी, ठीक है बच्चों। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन, प्लीज रेज योर हैंड। 1 2 चार पांच लोग ही हैं जी, बाकी नहीं किया किसी ने। प्लीज डू बेटा फिनिश, जिन लोगों ने नहीं किया फटाफट से फिनिश कीजिए, मैं आपको बता देता हूँ एक बार, करेंगे आप लोग ही। देखिए बच्चे, दिस इज द ब्रिज, यहां से बेटा एक बैंक जो है वो, और यहां से दूसरा बैंक ऑब्जर्व कर रहे हैं। दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो दिस एंगल विल बी ऑल्टरनेट एंगल्स। अब दिस इज 6 मीटर, लेट दिस इज एक्स यहां तक, एंड दिस इज वाई। तो आपको एक्स और वाई फाइंड आउट करना है, दोनों को ऐड करना है, आंसर आ जाएगा ये, राइट? यस बच्चों, यस जल्दी से फिनिश कीजिए जिन लोगों ने नहीं किया बेटा। फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर आप टेन थीटा लगाइए और दूसरे में टेन थीटा, दोनों से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएंगी, दोनों को ऐड कर दीजिए। हाँ चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे जी। यस बेटा हो जाएगा ना जिन लोगों ने नहीं किया ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए जी, फिफ्थ क्वेश्चन पे। टर्न द पेज एंड मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ ए वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ शेडो इज 1:3। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट दैट मोमेंट। बेटा हम भर भर के क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला, तो
तो यू शुड बी इन ए पोजिशन टू डू दिस। हाँ जी, वर्बल क्वेश्चन हो सकता है ये। रेशियो ऑफ द रॉड एंड इट्स शेडो इज 1:√3। फाइंड द एंगल ऑफ सन्स एलिवेशन। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। सर 30 डिग्री। हाँ जी, बाकी बच्चों ने नहीं करना, वही दो तीन बच्चे करे जा रहे हैं। ऑल अदर आर जस्ट सिटिंग आइडल। हाँ जी बेटा, दलजीत। हु इज दलजीत? 10D। प्लीज स्टैंड अप। हाँ जी बेटे, आपका हो गया क्वेश्चन जी? दलजीत, हैव यू डन इट और नॉट? नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हैव यू डन द क्वेश्चन और नॉट? नो आपने आपने फिर पूछा भी नहीं। अगर आपने नहीं किया क्वेश्चन तो यू शुड हैव आस्क ना। लास्ट वाला क्वेश्चन हो गया, फोर्थ वाला। हाँ जी दलजीत, फोर्थ क्वेश्चन डन और नॉट? यस। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे बोला है कि रॉड और उसकी शेडो, दिस इज अ रॉड एंड दिस विल बी द शेडो, तो सन का एलिवेशन फाइंड आउट करना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। रेशियो ऑफ द लेट, दिस इज एच, दिस इज एक्स। तो व्हाट इज गिवन? एच अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों? दिस इज गिवन जी, राइट और नॉट? यस। नाउ द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर टू द बेस क्या होता है बच्चों? ये विल दिस बिकम 10 थीटा और नॉट? राइट और नॉट बच्चों? तो यस। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 डिग्री। 30 डिग्री। सो दिस वे यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। जब भी आपको शेडो का और हाइट का क्वेश्चन आए तो दिस इज द वे। शेडो हमेशा बेटा फ्लोर पे बनती है ना, या एयर में बनती है? हाँ जी बच्चों, शेडो कहाँ पे बनती है? ग्राउंड पे ना। तो ये नीचे शेडो बनेगी। देखिए, कैन यू सी शेडो ऑफ दिस पेन? नजर आ रही है मेरे हैंड की शेडो? नजर आ रही है आपको बोर्ड में बच्चों? ये देखिए पेन की आपको शेडो नजर आ रही है? तो शेडो कहाँ पे फॉर्म हो रही है? सरफेस। इफ आई एम स्टैंडिंग तो माई शेडो विल बी फॉर्म्ड एट ग्राउंड, यस और नो? तो दिस इज द लाइन ऑन द ग्राउंड, दिस इज एन ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग। तो दोनों की रेशियो गिवन है, मीन्स परपेंडिकुलर टू द बेस आपको रेशियो गिवन है। यू जस्ट हैव टू फाइंड द एंगल। राइट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन अपने आप। नेक्स्ट लेक्चर हैज बीन स्टार्टेड। चलिए जी, आप लोग ये क्वेश्चंस करके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो डाउट होंगे आई विल टेक अप द डाउट्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।